नहीं हो जाती है। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने गोरखपुर क्लब में फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, भाजपा नेता, जनप्रतिनिधि, एडवोकेट सहित अन्य लोगों ने पहुंचकर फलाहार ग्रहण किया। वहीं शिव प्रताप शुक्ला ने सभी आए हुए अतिथियों को श्री दुर्गा सप्तशती सचित्र पुस्तक व तुलसी के पौधे को देकर उनका अभिवादन किया। कार्यक्रम में चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी, नगर महापौर सीताराम जायसवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया में इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया, 30 साल पुराना आयोजन है जिसको मैं करता चला रहा हूं। प्रत्येक नवरात्र के में मैं लोगों को फलाहार का देता हूं। अब की बार एक विशेष काम ये जरूर हुआ है कि उसमें दुर्गा सप्तशती की पुस्तक और साथ ही साथ तुलसी जी का पेड़ ये भी देने का काम किया है। लोग आते हैं, फलाहार करते हैं, इससे एक हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है वह पूरी तौर पर जागृत रहती है और हम सभी लोग उसी में राष्ट्र धर्म के ही पालन में लगे रहते हैं, तो विशेष करके यही आयोजन होता है, अन्यथा कोई नया नहीं आयोजन है, बहुत पुराना है। बाजी, तो दुर्गा पुस्तक और तुलसी जी की का पौधा देने के पीछे क्या मोटो है, क्या दुर्गा सप्तशती तो इस नाते देते हैं कि इसी बहाने कुछ न कुछ हमारे जो आद्या शक्ति है उसके विषय में लोग वो करेंगे, और तुलसी जी का पौधा इस नाते देते हैं कि उससे सबसे बड़ी बात यह है कि वायु का जो प्रदूषण होगा वो खत्म होगा। तुलसी जी जहाँ भी रहेंगी वहाँ धार्मिक भाव के अतिरिक्त वातावरण बहुत शुद्ध रहेगा, और वातावरण शुद्ध रहेगा तो स्वच्छता जो हमारी है, जो हमारे प्रधानमंत्री दिन रात कहा करते हैं स्वच्छता को अपनाओ, तो तुलसी जी का पौधा जहाँ रहेगा निश्चित रूप से स्वच्छता अपने आप वहाँ रहेगी। इस नाते इसको विशेष तौर पर